आज के चैनल में हम बात करेंगे कि मेलबर्न के अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट कैसे दिखते हैं। तो मैं अभी हूँ फ्लिंडर्स स्ट्रीट के एक अपार्टमेंट के अंदर, और फ्लिंडर्स स्ट्रीट की बिल्डिंग है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ छोटे छोटे 1 BHK स्टूडियो, 2 BHK अपार्टमेंट हैं। ये इमरजेंसी एग्ज़िट है और लिफ्ट भी है। तो ये मैं अपने दोस्त के घर पर आया हूँ और आपको दिखाता हूँ कि स्टूडियो अपार्टमेंट कैसा होता है। यहाँ पे तो ये मेन गेट है जिससे एंट्रेंस है। मेन गेट से आप एंट्री करेंगे तो एंट्री करते ही आपको यहाँ पे एक खिड़की दिख जाएगी। ये खिड़की है बाहर के लिए, ये थोड़ी सी जगह है। इसके अलावा ये एक अलमीरा दे रखी है, इसमें आप खाने पीने का सामान रख सकते हैं। ऊपर आपको दे रखा है AC, यहाँ पे TV है, छोटी सी कैबिनेट है, थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस है। अगर इस तरफ से आपको दिखाऊं तो ये आपका वार्डरोब है। वार्डरोब काफ़ी बड़ी है और इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारा सामान आ सकता है, हैंगर्स वगैरह हैं। और ये छोटा सा सिंगल बेड दे रखा है इन्होंने, स्टडी डेस्क दे रखा है ताकि आपको ऑफिस का काम करना हो तो आप ऑफिस का काम भी कर लें। यहाँ पर इधर से दिखाऊँ तो वो मेन गेट है जो खुला हुआ दिख रहा है आपको। सामने आपका विंडो है, ये स्टोरेज स्पेस है। इस स्टडी डेस्क के साथ इन्होंने बहुत ही छोटा सा किचन दे रखा है। छोटा है, कन्वीनियंट है, लेकिन बड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो आप ऊपर सामान रख सकते हैं, नीचे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस है। स्टोरेज स्पेस के अलावा यहाँ पे इंडक्शन कुकर से आप खाना बना सकते हैं। किचन के साथ में अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज वॉशरूम है। इसमें आपको सामने मिल जाता है वॉश बेसिन, इसमें आप छोटा सा मिरर, ये आपका बाथिंग एरिया है और ये साइड में आपको मिल जाती है टॉयलेट। तो घर स्टूडियो अपार्टमेंट छोटे हैं यहाँ पे, लेकिन जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज है उसके हिसाब से एक इंसान आराम से इसमें रह सकता है और कोई दिक्कत नहीं होगी इसको। तो बस ये है छोटा सा हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट।